बनाएंगे गेहूं के आटे से मठरी। इसके लिए हमने ये 3 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, मोयन के लिए डाले घी। घी इतना डाले, इसे मिक्स करने के बाद यह आटा कुछ इस तरह से हो जाए। घी इतना होना चाहिए कि आटा से इस तरह का मुट्ठी बन जाए। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसमें यह 1/2 कप सूजी डालेंगे। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके पानी डाल के बिल्कुल टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये इस तरह का हो गया है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बिल्कुल टाइट डो तैयार कर लें। इस तरह से बिल्कुल टाइट आटा ये लगा ले। ये देखिए इस तरह का। इसे और थोड़ा अच्छी तरह से कर ले। इस तरह से आटा रेडी हो चुका है। अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ ले। जिस साइज की मठरी बनानी हो उस साइज की लोई तोड़ ले। ये इस तरह से लोई तोड़ ले सारी। इस तरह से लोई तोड़ लिया है। अब इन्हें बेल लेंगे इस तरह से। इसे इस तरह से बेल ले। इतना मोटा कांटा की सहायता से इसमें इस तरह छेदा कर दे। इसी तरह से सारी स्वाली रेडी कर ले। इस तरह बेले कांटा की सहायता से। इस तरह सारी स्वाली रेडी करके रख लें। इस तरह से सारी मठरी बेल ली है हमने। गैस पे तेल चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तेल को गरम होने दे। आप तेल या घी कुछ भी यूज कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें ये मठरी छोड़ दे। गैस को धीमी आंच पे कर दे। इन्हें हम धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे जिससे ये क्रिस्पी होंगी। गैस को धीमी आंच पे रखें। गैस को धीमी आंच पे रखें और इसे फ्राई करें। इससे ये क्रिस्पी बनेंगी। धीरे धीरे उलटते रहें। इन्हें उलट दे। इन्हें लाल लाल फ्राई करेंगे। ये हो चुकी है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इन्हें निकाल ले। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आटे की मठरी बन चुकी है। इसी तरह से सारी मठरी फ्राई कर ले। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है।
आटे की मठरी रेडी है, इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। आटे से बनी है इसलिए ये हेल्दी भी है।